डीआईजी पिंडी, तो डीआईजी पिंडी के तौर पर भी बहुत हल्ले गुल्ले हुए। इसमें मसलन बहुत इम्पॉर्टेंट जो इन्वेस्टिगेशन मुझे करनी पड़ी, जो जन जंजुआ थे आर्मी चीफ, आपको याद होगा कि उनकी डेथ हो गई थी बड़ी अजीब से सरकमस्टांसेस में। मुल्तान में एक इंसिडेंट तो ये हुआ कि उन दिनों ये ना शराबरा पे ज़ाहिर है पाबंदी लग गई हुई थी, तो मुझे इतला मिली कि जी कैंट में वो ना अफसर्स मेस है, वहाँ शराब आम चलती है। समरी कोर्ट्स के उनके कुछ अफसर जो हैं वो बैठते हैं उधर, कुछ सिविलियंस हैं, और वो कोई उधर ना ये ताश वाश खेलते हैं, तो वो बाई डिज़ाइन ना जो सिविलियंस हैं वो हारते जाते हैं। तो मैंने उधर ना रेड कर दिया, ये जो सिविलियन अफसर थे इनको पकड़ के भेज दिया उधर मेडिकल के लिए। ये मिलिट्री कोर्ट्स वाले थे, उनका तो खैर वो कोई इसी तरह के रूल्स थे उस वक्त भी, तो इनको सीएमएच में भिजवा दिया। वो ये हुआ कि जो सिविलियंस थे उनका तो रिजल्ट पॉजिटिव आ गया, सर्विसेज के अफसर थे उनका सबका नेगेटिव आ गया। जन स्वरूप थे उधर अपने राजा स्वरूप, उन्होंने मुझे बुला के कहा, उन्होंने कहा ये क्या किया तुमने, ये रेड कर दिया तुमने सर्विसेज क्लब पे। मुझे प्रेसिडेंट का फ़ोन आया, प्रेसिडेंट मेन जनजिया, तो उसने कहा ये कौन है एसपी है, इसको सॉर्ट आउट करें। और ये तो मैंने कहा जी मैंने तो वो काम अपनी तरफ से किया है जो मैंने सही समझा है, शराब बंद की हुई थी तो बंद थी। ये बस काइंड, तो ये सट गए, नहीं 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 फिर भी लेकिन इस तरह की बात हो तो पूछा करो, ये नहीं है कि जिधर मर्जी है चल पड़ते हो। दूसरी दफ़ा जब बलोचिस्तान में गया तो मेरी पोस्टिंग हुई ये जो झटपट एक जगह है। बलोचिस्तान का सिस्टम दो तरह का था, एक ए एरिया और एक बी एरिया वाला। ए एरिया वो था कि जिसमें पुलिस का रेगुलर अमल दखल था, थाने थे, और बी एरिया वो है कि जिसको जो एक वो कबायली सिस्टम के तहत लेवीज हैं। तो पूरे बलोचिस्तान में क्वेटा सिटी के अलावा सिर्फ यही एक डिस्ट्रिक्ट था जो ए एरिया था। इसलिए आईजी साहब ने बगैर इवन मुझे पूछे हुए उन्होंने कहा कि इसको तो उधर ही भेजें, क्योंकि पुलिस का काम तो है ही वहाँ। डिस्ट्रिक्ट में क्राइम बहुत था और वो ट्रायंगल बनती है ये तीन सूबों की। कुछ दिन गुजरे तो मुझे इतला मिली कि जी बी एरिया में एक हमारा बड़ा नोटोरियस किस्म का आउटला है, मास्टर खोसा। तो मैंने जैसे मेरी आदत रही है सुबह रेडिंग पार्टी ली अर्ली मॉर्निंग, खुद उनको लीड किया और जाके रेड कर दिया। रेड में वो जो उसके डेरा था वो तो मतलब सर्कल में नहीं आया, वो बाहर थोड़ा रह गया। उन्होंने ऑलरेडी अपने वो चूँकि आउटलास्ट थे वो वर्दियां शर्दियां पहन ली पुलिस की, तो फायरिंग शायरिंग शुरू कर दी। बहरहाल उस फायरिंग में तो अल्लाह ने किया कि हम सेफ रहे सारे। अब वो वापसी पे ना एक जगह उन्होंने मोर्चे खोद के तो इंतज़ार किया कि ये डेयर कौन कर सकता है कि हमारे ऊपर रेड करे। और ये वो है, अच्छा मैं सम मेरे प्लान में ये था ही नहीं कि मैंने उसी रास्ते से वापस जाना है। तो जब हम थोड़ा सा निकले हैं दूसरे रास्ते पे तो एकदम काफ़ी हैवी फायर ऑटोमेटिक फायर की आवाज़ आई। खैर पता चला जी कि एक और हमारा पुलिस की गाड़ी थी तो वो एम्बुश हो गई। अब वो जिस जगह पे ये मोर्चे वोर्चे बनाए गए और जिस का वो लैंड थी सारी, वो एक फार्मर पीपीपी का मिनिस्टर था। मैं जब फिर ये डेड बॉडीज़ उठा के वापस लाया पुलिस लाइन में, तो उसके बाद मैंने इसको भी मिनिस्टर साहब जो थे इनको भी मैसेज किया कि भाई आप आएँ बैठें हमारे साथ और बताएं कि अगर आपकी जगह से ये इस तरह से मोर्चे बना के तो पुलिस वालों को एम्बुश किया गया तो यू शुड हेल्प अस। वो चला गया क्वेटा, जाके तो प्री रेस्ट बेल करा ली। तो वहाँ क्वेटा ही मैंने मैसेज दिया हुआ था एसएसपी को कि भाई इसको कहो सीधा मेरे पास पहुँचे, तो ही साइड कर नहीं नहीं साई हमें तो कोई पता नहीं है। अच्छा उतनी देर में मैंने ना उसका सारा रिकॉर्ड भी देखा हुआ था, तो उस रिकॉर्ड में कोई साल पहले का एक केस भी उसके ऊपर था जिसमें कि उसको किसी ने पूछा हुआ ही नहीं था। उनको कहा एक डीएसपी थे डबल खान, उनका नाम था खान मोहम्मद खान, मैं कहा इसको अरेस्ट कर लें फिर।
जब मैंने ये बात की तो डीएस पे लिटरली घबरा गया। उस पे फिर बड़ा शोर शराबा हुआ, उसके जो सपोर्टर थे लोगों ने पीर पगाड़ा साहब से किया कांटेक्ट। पीर पगाड़ा साहब ने सीधा फ़ोन कर दिया जनजिया साहब को, तो जनजिया ने जो गवर्नर साहब थे रहीमुद्दीन उनसे बात की कि भई ये कौन है, क्या हो रहा है आपके यहाँ। तो गवर्नर हालांकि वो जानते भी थे, उन्होंने ही डिसाइडेड बस इसको मैं सस्पेंड कर रहा हूँ। जब आई जी ने मेरे साथ ये बात की तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर आप इतनी फिर मेहरबानी करें, या तो मुझे ये जो वाकया हुआ है, क्योंकि इट्स अ टेरेबल इंसिडेंट जिसमें मेरे चार लोग एम्बुश हो गए हैं और उसके ऊपर अब ये हो। मैंने फिर जो MS था गवर्नर का उससे खुद बात की, तो नेक्स्ट डे ही केम, तो काफ़ी नाराज थे ऐसे। जब रेस्ट हाउस में मैं खड़ा था, वो बैठे हुए थे, तो मुझे कहते हैं ये क्या किया आपने, ये आपकी तो ट्रेनिंग ही डिफेक्टिव है। और जब उन्होंने ये बात की ना, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर बात ये है कि इसमें मेरा इस एम्बुश के साथ क्या तलक है। तो जब मैंने ये बात की तो उसने कहा कि कौन एम्बुश हुआ है। अगली बात मैंने कर दी इसी तरह से, मैंने कहा सर बात यह है कि जब आर्मी ऑफिसर्स एम्बुश होते हैं तो क्या उनकी ट्रेनिंग का प्रॉब्लम होता है। जब मैंने ये बात की, वी सैड सिट डाउन, मैं कहा सर मेरी रिक्वेस्ट यह है कि आप मुझे वापस इस्लामाबाद कर दें, अदरवाइज़ मुझे इस तरह इस ख्वारी में ना यहाँ से हटाएं, मुझे आप ऐसे करें कि गिव मी 3 months। अच्छा, ही सैड के अच्छा चलें जी पहले मौके पर चलते हैं। अब वहाँ जब सारी चीज़ देख ली, ही फेल्ट सेटिस्फाइड कि जो मैं बात कर रहा था वो सही थी। उसके बाद हाई कोर्ट भी एग्रीड विद मी, हाँ जी, उसकी जमानत भी ना हो सकी। DIG पिंडी, तो DIG पिंडी के तौर पर भी बहुत हल्ले गुल्ले हुए। इसमें मसलन बहुत एक इम्पॉर्टेंट जो इन्वेस्टिगेशन मुझे करनी पड़ी, जो जंजुआ थे आर्मी चीफ, आपको याद होगा कि उनकी डेथ हो गई थी बड़ी अजीब से सरकमस्टांसेस में। उनकी फैमिली ने बाद में FIR कराई कि जी हमें काफ़ी हद तक ये मतलब शक ही नहीं है, बल्कि यकीन है कि भई इन्होंने उनको कोई पॉइजनिंग हुई है उनकी। और फर्स्ट टाइम इस मुल्क में एक टॉप लेवल का इंटरनेशनल बोर्ड जो है ऑफ फॉरेंसिक साइंटिस्ट पैथोलॉजिस्ट एंड अदर्स, वो असेंबल किया, जाके जैन साहब की बॉडी जो है वो उसको खुलवाया वहाँ जेल में, उनके सैंपल्स लिए गए, हर एक सैंपल अपना अपना ले कर चला गया, एक सैंपल लॉक एंड की में हमने इधर रखा GHQ में। इस दौरान में चूँकि अब फिर इलेक्शन आगे करीब थे, जिन इलेक्शन में फिर बीबी सेकंड टाइम आ गई, जो बड़ा प्रेशर आया वो ये था, चूँकि ये FIR में नामजद मुलजम है मियां नवाज शरीफ, बाकी 2-3 मिनिस्टर्स और थे, तो ये कहा गया कि जी चूँकि वो नामजद मुलजम है इसलिए इनको गिरफ़्तार करें। मैं कहा देखें बात यह है कि गिरफ़्तार तो इनको, ये केयरटेकर सेटअप की बात है, ये उस सेटअप की बात मैं कर रहा हूँ जब मुइन कुरैशी थे। मैंने कहा अगर तो ये हो कि जी FIR में जिसका नाम आ गया उसको गिरफ्तार करना है, वो तो काम नीचे होता है, मेरे लेवल पे तो ये काम नहीं हो सकता। मुझे तो एविडेंस पहले चाहिए कि जो कुछ FIR में लिखा गया है उसका सपोर्टिंग एविडेंस है, अगर है तो मेरे हाथ से कोई बच नहीं सकता, और अगर नहीं है तो फिर देखेंगे जो भी होगा, पहले आने दें रिजल्ट आने दें। वो इट सो हैपन के रिजल्ट बाहर से जो आया वो नेगेटिव आया, उसमें भी बाद में कुछ कंट्रोवर्सी रही। एक दिन ऐसे मुझे फ़ोन किया प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने, उस वक्त अमन सादक प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, मियाँ वो अभी तक इधर ही हो आप, मैं कह जी नहीं 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 आप का तो कराची का कर दिया तो आप पहुँचे उधर। मैंने कहा सर बात यह है कि अभी तो मेरा कोई नोटिफिकेशन हुआ नहीं है, लेकिन मैं नहीं जाऊँगा कराची। इस वक्त के करीब ना मुझे प्रेजिडेंसी से फ़ोन आया कि जी आपको उधर बुलाया जा रहा है। तो वहाँ प्रेजिडेंट थे लगारी साहब, जन वहीद काकड़ थे आर्मी चीफ, और जन बाबर थे। तो मैं कहा सर मेरी सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट है ना वो ये है कि आई नीड फ्री हैंड। तो जन वहीद इमीजिएटली सेड के लुक ये गारंटी आपको इधर से हम देते हैं। तो एयरपोर्ट पे पहुंचा तो जो गाड़ी मुझे एस्कॉर्ट के लिए आई हुई थी उसमें पुलिस नहीं थी, उसमें FC वाले थे। मैं जब पुलिस क्लब पहुंचा क्लिफ्टन, तो मैंने
एसपी हेडक्वार्टर से पूछा तो उसने मुझे कहा कि सर पुलिस वालों पे एतबार नहीं रहा। तो मैंने कहा मैंने तो उन्हीं पे एतबार करके आगे चलना है। मैंने कहा अच्छा चलो सुन लिया आपकी बात, ऐसा करो सुबह पुलिस लाइन में जितने लोग हैं उनमें से कोई चार बंदे जो हैं वो गाड़ी पे बिठाओ इधर भेज दो। अगली सुबह खैर फिर मैं जब आया ऑफिस में सवाए एक दो बंदों के बाकी सारे बगैर वर्दी के थे। कहते हैं जी कि अफसरों ने कहा हुआ कि ना पहना करें क्योंकि आप टारगेट होते हैं। तो मैंने कहा भाई दफ्तर के अंदर आके तो पहन लिया करो ना। चौथे पांचवें दिन मैं उधर ना गया, चौथा दिन था औरंगी टाउन, तो वो मैं उधर गया तो वाकई थाने की हालत बहुत ही ख़राब थी। रास्ते में हमारे ऊपर ना कोई फायरिंग शायरिंग भी हुई, तो मैंने जो एसपी थे डिस्ट्रिक्ट के आई वाज यू नो बिट सॉर्ट ऑफ हार्श विद हिम के यार ये किस तरह का थाने की हालत की हुई है। और डीसी ने कहा, उसने कहा सर वो हमारे भी बड़े मसाइल हैं, आप आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे। ही सेड के ये जो एसएचओ है ये तो कभी इधर होता ही नहीं है, ये तो आप काज कहीं पता करके तो आ गया है। कहते जो बस आपको सर पता चल जाएगा और ये वो। तो मैंने वहाँ एक हमारा ना रजिस्टर नंबर 13 होता है थाने में, मैंने उसमें 13 में अपना नोट लिखा कि ये बात डीसी ने की है इसलिए मैं इसको सस्पेंड कर रहा हूँ। तो रास्ते में ही था अभी तो वायरलेस पे मैसेज मिला, शाहिद आमंद होम सेक्रेटरी था। खैर मैं जब फिर वापस गया पुलिस क्लब तो वहाँ से मैंने बात की, वो अब ना मुझे रिपीटेडली कहे वो कहे वो सर छोड़े ना ये कोई बात है, आपका कोई लेवल ये थोड़ा है कि एसएचओ का है। मैं कहा देखो ये कैसे हो सकता है कि मैं अभी करके आया हूँ तो अभी बहाल कर दूँ। मैं कहा बात बताओ असल बात क्या है ये जो इतना ज़्यादा आप लगे हुए हो। तो ही देन ओपन अप एंड ही सेड के सर बात ये है कि इसको तो मैंने लगवाया था और मैंने इसलिए लगवाया था कि मुझे प्राइम मिनिस्टर का फ़ोन आया था कि इस बंदे को लगवाओ उधर। और को आधा घंटा गुजरा होगा तो सीएम हाउस से फ़ोन आ गया कि जी वो बुला रहे हैं मुझे, उन्होंने बिठा दिया वो। खैर वो आए मुझे कहते हैं कि वो अपने इंस्पेक्टर फलाना जो है वो सस्पेंड कर दिया, उसको बहाल कर दे। मैं कहा मैं तो उधर आना ही नहीं चाहता था, फिर मैं अपना ब्रीफ केस लेता हूँ तो वापस जाता हूँ। लो जी वो थोड़ा सा ना माहौल बिगड़ गया तो मुझे कहते हैं अच्छा मैं एक मिनट में आता हूँ ये हुआ। तो निकले तो इतनी देर में एक और आदमी एंटर हुआ, तो उसने उधर से आते हुए ना इधर मेरे सिंधी स्टाइल में वो पाँव को हाथ लगाने की कोशिश की, तो मैंने उसको पकड़ लिया। आई थॉट कि ये भी बेचारा कोई इधर फरियादी शरियादी आया हुआ है, तो मैंने उसको ना पकड़ के तो साथ वाली कुर्सी पर मैं कहा बैठे इधर ये क्या कर रहे हैं आप। लो जी ही सेड के यही इंस्पेक्टर हाँ जी, तो कहता बाहर तो 200-250 बंदा आया हुआ है मेरी और ये मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। वो हुआ ये कि शाह साहब ने जाते हुए उसको कह दिया भाई ये नहीं मानता। तो मैंने कहा खुदा नहास्ता अगर कोई चीज़ आपसे हो गई तो जिम्मेदारी मेरी है, उसको किसने पूछना है। अच्छा इस बात पे ना अब वो तो सुनने को तैयार नहीं था, मुझे कहते आपने क्या समझा हुआ है, मैं अभी आपको यहाँ से निकलवा दूंगा। तो मैंने कहा ये तो बहुत आपका नेकी का काम होगा। और इसके बाद मैं बगैर सीएम के इंतज़ार किए हुए मैं चला आया। मैं कहा ठीक है मुझे वापस भेजना है तो फिर दैट इज़ व्हाट आई वांट। फिर कुछ नहीं वापस नहीं भेजा, कुछ भी नहीं हुआ ये वो है। कराची ऑपरेशन जिसको कहते हैं वो 19 जून 1992 को शुरू हुआ था और ऑपरेशन का बैकग्राउंड ये था कि 92 में ये शुरू हुआ 19 जून को, नवंबर 94th में आर्मी विड्रू बीबी पर्टिकुलरली अंडर ट्रमेंडस प्रेशर थी कि जो काम आर्मी की मौजूदगी में भी नहीं हो सका तो अब इसको हमने कैसे करना है। दिस वाज द बैकग्राउंड जिसमें मुझे भेजा गया था। सबसे ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन पुलिस के अंदर थी वो इसी लेवल पे थी, कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल, लेकिन उन बेचारों को तो कोई पूछने वाला ही नहीं था। उस वक्त आप देखें कि डेड बॉडीज डेली आती थी, कभी 20 आ गईं, कभी 30 आ गईं, कभी 40 आ गईं। थाने जो हैं वो पब्लिक के लिए ओपन नहीं थे, खुली कचहरी में लोग आए ये थे जो उधर मिडल ईस्ट में बेचारे वर्कर टाइप थे। उन्होंने कहा सर हम आते हैं एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो ये जो आपके शहर फैसल है इसके ऊपर न लोग हमें लूट लेते हैं और हमारा शक ये है कि ये पुलिस के लोग हैं। उसी दिन 2-3 यंग एएसपीज जो थे उनको बुलवाया और उनको कहा कि भाई बचो, बात ये है कि
कुछ सिंधी टोपी लो, शलवार कमीज पहनो, सुबह 3-3:30 बजे जो टाइम है फ्लाइटों का उस वक्त जाया करो एयरपोर्ट पे, टैक्सियां हायर कर लो, खुद ड्राइव करो उनको, वहां से सवारियां उठाओ और उन सवारियों को जब लाओगे इस पेशार फैसल पे, तो अगर वाकई इनको कोई लूटता है तो आपको भी लूटना चाहिए। लो जी, पहले दिन ही लोग पकड़े गए। '96 से लेकर 2001 तक मैं फिर OSD था। ये वो ज़माने हैं जब मैंने दो काम मैंने किए, एक तो मैंने लॉ की डिग्री और दूसरा ये किया कि ये जो पुलिस आर्डर है वो ड्राफ्ट किया। तो इनफैक्ट जब जनरल मुशर्रफ ने इसमें इंटरेस्ट शो की तो ये काम ऑलरेडी ऑलमोस्ट मुकम्मल हो, जनरल मुशर्रफ इनकी गवर्नमेंट आई तो इन्होंने मुझे लगाया उधर नेशनल पुलिस ब्यूरो में। वो लॉ की सूरत में अभी नहीं आया था तो ये 9/11 हो गया, तो मैं फिर बलोचिस्तान चला गया एज IG। तो वो बहुत ही फिर चैलेंजिंग टाइम था, लॉ एंड ऑर्डर सारा बर्बाद और ऊपर से फिर ये एलिगेशंस भी अमेरिकन्स के। तो एक दफ़ा मैं आया हुआ था इधर एक मीटिंग में, तो मुझे जनरल मुशर्रफ उन्होंने पूछा कि ये अमेरिकन्स मुझे बार बार कहते रहते हैं कि जो सामान जो है वो बलोचिस्तान में है और उधर क्वेटा में है और ये वो। तो मैंने उनसे कहा सर, मैं कहा सर ज़रूर होगा उधर, मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता कि उधर नहीं है। सर के क्या बात कर रहे हो आप, IG हो तो आप ये कह रहे हो। मैं कहा सर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, मैं IG सिर्फ वहाँ के 5% एरिया का हूँ, 95% वहाँ का बी एरिया है। हो सकता है ये जो 5% मेरे वाला एरिया है उसी में हो वो। वही साइड का अच्छा ये बी एरिया ये 95% और ये क्या उधर हमने बनाया हुआ है और ये। तो इस पे फिर उन्होंने ये कहा कि नहीं, ये सारा सिस्टम चेंज करना चाहिए। उन्होंने उसको शौकत अजीज़ साहब जो थे उस वक्त वो अभी वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उनको कहा कि भाई जितने उधर पैसों की ज़रूरत है दें ताकि ये हम इसको ना एट पार लाएँ दूसरे सूबों के। वो जैसे ही फिर जनरल मुशर्रफ गए, फिर कुछ हिस्सा इसने भी प्ले किया अपना जो 18th अमेंडमेंट है, तो इन्होंने सारा कुछ वापस कर दिया। फिर टोटल कोई 10 बिलियन के करीब खर्चा आया फेडरल गवर्नमेंट का, सारे का सारा जाया गया। जो बिल्डिंग कोई आधी मुकम्मल थी आधी मुकम्मल रह गई, बाकी ख़त्म हो गई। उसके बाद किसी ने इंटें भी उठा के लोग ले गए। इट इज़ अ वेरी यू नो पेनफुल स्टोरी। जब मैं गया हूँ तो सबसे बड़ा जो चैलेंज था, बड़ा अजीब था वो भी, शाम के वक़्त ना रॉकेट चलते थे और ये पता ही नहीं लगता था कि किसको आ लगेंगे। कभी उन्होंने किसी स्कूल में गिरना, कभी दरख्त पे लगना, कभी बच्चों पे गिरना, कोई बच्चे बेचारे ज़ख्मी हुए, कोई शहीद हुए। बेसिकली वो हरकत करते थे ये और कमांडर की तरफ उसको डायरेक्शन देते थे। वो उधर शाम के वक़्त बैठते थे, एक जगह उन्होंने डंप बनाया हुआ था, उधर से जब मरीज़ आए थे अफ़गानिस्तान से वापस तो वो ट्रकों के हिसाब से असला भर के साथ ले आए और किसी ने पूछा भी नहीं। वो ला के तो उधर अपना मुख्तलिफ जगहों पे डंप कर छोड़े, उधर से निकालते थे वो। तो हमें जाके ना तो दिसंबर के शुरू में या नवंबर के एंड में एक ऐसे ना फीम चीसा उसके कोई इतला मिली कि जी वो एक जगह ना क्लाशन को बेच रहा था। उन्होंने पुलिस को इतला कर दी है हमारे वाली टीम को। तो खैर फैसला हमने ये किया, मैंने इनको कहा, मैंने कहा अगर ये हेरोइन का एडिक्ट है तो इसको अच्छी क्वालिटी की हेरोइन जो है ना वो रोज़ाना दिया करो, वरना फिर ये ना चूँकि नशा ही है ये हमारे काम से चला जाएगा। कुछ दिनों में आहिस्ता आहिस्ता वो बोलना शुरू हो गया, एक्चुअली वो उनका हिस्सा था। तो उसने कहा मुझे एक्चुअली पता है कि ये रॉकेट कहाँ से चलते हैं। तो हमने कहा भाई कौन है ये लोग? उसने कहा जी ये कलात से आते हैं, गाड़ी भी एक मिनिस्टर की है जो ये इस्तेमाल करते हैं। वो मिनिस्टर जिसकी गाड़ी है ये वो पिछली गवर्नमेंट में मिनिस्टर था, तो नई गवर्नमेंट आई है तो इसने कोई गाड़ी वापस ही नहीं ली। तो जब ये किसी जगह से पुलिस वालों के पास से गुजरते हैं तो वो उल्टा सल्यूट करते हैं इनको। तो उसने कहा जी कि मैं आपको कलात लेके चलता हूँ। हमने प्लान किया, मैंने कलात वाले SP को बुलवा के सारा ब्रीफ किया। वो पहली जगह जहाँ लेके गया वहाँ को बर्तन ताज़े ही अभी पड़े हुए थे, लगता ये था कि अभी किसी ने खाना खाया है। तो उसको पता था, उसने फिर कहा मैं दूसरी जगह आपको लेके चलता हूँ। दूसरी जगह गए तो बाहर ताला लगा हुआ था, जैसे ही ताला खोला अंदर से फायरिंग हो गई। फायरिंग में फिर
कुछ 3-4 लोग उनके मारे गए। उनकी जेबों से जो कार्ड जाली वाली रखे हुए थे ना, उन पे एड्रेसेस सारे कराची के निकले। तो मेरे लिए ये काफ़ी फिर इंट्रीगिंग बात थी कि ये कराची का एंगल कहाँ से आ गया बीच में। लेकिन वो अगले दिन पता चल गया, क्योंकि जब हमने चेक कराया कराची तो वो सारे ही जाली एड्रेस थे। ये जनाब 2-3 दिन तो वो लाशें वाशें जो हैं वो पड़ी रहीं, किसी ने क्लेम ही ना किया। फिर उनकी कोई माएँ 2-3 की, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि देखो जी हमारे बच्चे मार दिए हैं और ये वो। ये सारे ना मरीज थे, बाकी जो 2.5-3 साल में उधर रहा, रॉकेट एक भी नहीं चला। बीबी वाला जो मर्डर है ना, वो तो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है, ख़ासतौर पे उन लोगों के लिए जिन्होंने उनके साथ काम किया। शी हैड ट्रमेंडस क्वालिटीज। मैं उस दिन ना FIA में उस वक्त गया हुआ था, तो इतनी देर में मुझे पिंडी पुलिस से एक अफसर का फ़ोन आया कि सर बीबी को गोली लग गई है। तो उसने बताया सर कि वो अभी ले गए हैं उनको हॉस्पिटल। सच्ची बात यह है कि यानी आई हैड नेवर फेल्ट सो मच पेन एक्सेप्ट माई पेरेंट्स। मैं तो लिटरली उधर बैठ ही गया, मैं क्या ये क्या हुआ है ये। जब मैं IB में आया तो आई फेल्ट के परहैप्स देर इज़ एन अपॉर्चुनिटी। उतनी देर में ये जो है UN वाला कमीशन ये भी चल रहा था। एक दिन इंटीरियर से लेटर आ गया कि जी वो मुझे उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि मिलना चाहते हैं। मैंने उसी वक्त यस कर दिया। वो इधर आ चुके थे वो, लेकिन नेक्स्ट डे उन्होंने मेरे पास आना था। मेरी पहले बात हुई सेक्टरी इंटीरियर से, एंड ही सेड के वो आपके पास ही आ रहे हैं UN वाले भी। मैंने कहा तो ही सेड के ये इनका कोई ऐसे नहीं है, छोड़ें इनको। तो मैं घर नहीं चले, अब उन्होंने रिक्वेस्ट की है कुछ चीज़ें, तो मैं भी उनसे पूछना चाहूँगा कि भाई अभी तक आप कर के आ रहे हैं। और तो थोड़ी बहुत देर बाद मुझे फिर इंटीरियर मिनिस्टर का फ़ोन आया। ही वॉज मोर सॉर्ट ऑफ यू नो फोर्सफुल कि नहीं नहीं नहीं, आपने इनको नहीं मिलना, और ये तो बहुत लोअर लेवल के लोग हैं, और हम कैसे ये अलाउ कर सकते हैं कि इतना सीनियर ऑफिसर हमारा जो है वो इनसे मिले। मैं क्या, ये लेटर तो इंटीरियर से आया हुआ है। तो मुझे बताया गया कि नहीं, हम वो जिसने लेटर लिखा है उसको तो हमने सस्पेंड कर दिया है या करने लगे हैं, कोई इस तरह की बात। वो फिर आए नहीं मेरे पास। अब अगर आ जाते तो हो सकता है कोई ना कोई चीज़ काम की उनसे मुझे मिल जाती या मुझसे उनको मिल जाती, और उसका नतीजा यही है कि वो भी मर्डर आज तक वैसे ही है। मुख्तलिफ थ्योरियाँ हैं। जब मैं DGIB से फ़र्क हो के तो आ गया, मुझे नेक्स्ट डे ये ना फ़ोन आया कि जी हमारे पास ये 3 पोजीशनें अवेलेबल हैं, आप बताएं अगर आप इसमें कोई इंटरेस्टेड हैं। तो एक तो थी चेयरमैन FPSC, एक थी ये FTO, और एक थी ये जो पॉस्को है, ये जो गंदम शंदम नहीं प्रोक्योर करते। ज़ाती तौर पे मैं इंटरेस्टेड ज़्यादा था चेयरमैन FPSC में। अब ये जो है ना FTO, ये मैंने नहीं सुना हुआ था। वो मैंने ना इधर उधर से पूछना शुरू किया, नोबडी न्यू। मैंने ना जो ये दूसरा मोहतसब है, वफाकी मोहतसब जिसको कहते हैं, तो उससे बात की, क्योंकि हम दोनों इकट्ठे रहे हुए थे पिंडी में। तो मैंने उससे बात की, मैंने कहा जावेद ये बताएं सर कि ये क्या पोजीशन है ये फेडरल टैक्स ओम्बड्समैन। तो ही सेड के ये दोनों जो पोजीशनें हैं वफाकी मोहतसब और ये दोनों एक लेवल की हैं। सिर्फ ये है कि आपका काम एक्सक्लूसिवली FBR रिलेटेड है, तो लेकिन अगर कोई इसका चांस है तो डोंट से नो। अच्छा जी, न्यू माई टेम्परामेंट्स। मैंने फिर अगले दिन बता दिया, मैं कहा हाँ जी मैं ठीक है FTO। मेरा PhD का जो सारा काम है वो है वाइट कॉलर क्राइम पे। मैंने कहा यार ये तो अच्छा है, चलो फिर जो आपकी नॉलेज बेस है उसमें फिट इन भी करता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वाले उनका जो ये कराची में जो बैठते हैं लोग। तो इन्होंने एक हमारे ऑफिस पे इंडिपेंडेंट रिसर्च कराई थी। पता ये चला कि जी जहाँ तक तल्लक है FTO ऑफिस की परफॉर्मेंस का, दी परफॉर्मेंस वाज इवन बेटर देन दी मोटरवे पुलिस। मुझसे पहले पीरियड की जो एवरेज रिटर्न्स थी टैक्स पेयर्स को जो कि एज कंप्लेनेंट आए, 220 मिलियन की एवरेज थी पर एनम, जो मुझसे पहले ओम्बड्समैन थे उनके वक्त। व्हेन आई लेफ्ट आफ्टर 4 ईयर्स, तो
हमारे जो पर एनम लोगों को रिलीफ था वो ओवर 9 बिलियन था। गोमकाई लाहौर से एमएससी फिजिक्स में की थी। माय मदर डाइड एज ए रिजल्ट माय फादर आस्क्ड मी टू स्टे बैक। मैं टीचिंग में आ गया एज ए लेक्चरर इन फिजिक्स। दिस वाज एससी कॉलेज बहावलपुर। टाइम केम के व्हेन आई डिसाइडेड टू क्विट। हमारे एक हिस्ट्री के सीनियर लेक्चरर थे हमसे, ही एडवाइज्ड मी के चलें वो तो जब जाओगे जाओगे, लेकिन अभी ये करो कि आप अपने टेस्ट करो अपने आप को बाई अपेयरिंग इन द CSS एग्ज़ाम। इस तरह से मैं फिर CSS एग्ज़ाम दे दिया। कोई CSS एग्ज़ाम का जब रिज़ल्ट आया तो उस दिन कॉलेज के ना ये स्पोर्ट्स डे था, तो लंच के वक़्त जब हम गए लंच ब्रेक पे तो आगे अखबार आया हुआ था, तो वो देखा तो फ्रंट पेज पे ये तो बॉक्स में न्यूज़ थी कि CSS रिजल्ट्स अनाउंस्ड, लेकिन जब अंदर देखा तो मेरा नाम नहीं था। उसके फिर कुछ दिन बाद हम उसी तरह बैठे हुए थे, 3-4 का हमारा ग्रुप था, हम आफ्टरनून में इकट्ठे हो जाते थे। उधर एक ना वो टेलीग्राम वाला आ गया, तो टेलीग्राम देखी तो उसमें ये था कि जी आपने इंटरव्यू के लिए लाहौर में फलां दिन जाना है। तो मैंने ऐसे उसको देखा, फिर वो टेलीग्राम को लिफाफे में बंद कर दिया। तो वो जो थे हिस्ट्री वाले लेक्चरर, वो मुझे पूछते हैं कि भाई व्हाट इज़ दिस। तो मैं कहा नहीं कोई, तो इस साइड के व्हाट डू यू मीन, टेलीग्राम खास चीज़ नहीं है, कुछ ना कुछ तो ज़रूर है। तो फिर मैंने उनको बताया, मैंने कहा ये आपको पता है कि मेरा रिजल्ट तो नहीं आया था, तो अब ये टेलीग्राम आ गई है। तो मैंने कहा लगता है ये गलती से आ गई है। उसने कहा कि हाउ डू यू से कि ये गलती से आ गई है, हो सकता है वो पहले जो नहीं आया वो गलती से हो। तो ये जो कमीशन है FPSC, ये उन दिनों अभी कराची में था। तो नेक्स्ट डे ही उस टेलीग्राम का जवाब आ गया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि वी आर सॉरी अगर आपका ये नाम नहीं था, बट एज़ फार एज़ वी आर कंसर्न्ड तो आपका नाम हमेशा था। लेकिन उससे पहले एक इंटरेस्टिंग जो बात हुई थी ना, कि मेरा एक ना ऐसे छोटा सा इनकाउंटर हुआ था पुलिस के साथ। हमारे वो ट्यूबवेल था, ट्यूबवेल उन दिनों वो डीजल इंजन के थे, तो उनके जो बेल्ट्स थे पटे वो चोरी हो गए। 5-6 महीने के बाद ना पुलिस स्टेशन से इतला आई कि जी वो पटे मिल गए हैं और हम शाम को आएंगे। चौकीदार जो है वो नल का जो हैंडपम्प है वो उसको और ASI साहब उसके नीचे बैठ के तो नहा रहे थे। तो फिर उसके बाद उन्होंने डिनर किया। अच्छा, वो डिनर में जितना जो फूड है उसकी तबाही हुई। रात को फिर थोड़ा सा उन्होंने कहा जी हम गश्त करेंगे, और बेसिकली वो आए हुए इसलिए थे कि हम ये आज शो करेंगे कि हम उधर गश्त कर रहे थे, तो ये जो चोर हैं ये पटे उस वक्त चोरी करने की कोशिश कर रहे थे, तो हमने इनको रेड हैंडेड पकड़ लिया। नाश्ते के वक्त फिर कोई 2 दर्जन अंडों का ऑमलेट बना और 2-3 लोगों के लिए। तो मुझे बड़ा अजीब लगा ये कि ये क्या कर रहे हैं ये। तो नतीजा ये हुआ था कि जब मैंने ये CSS एग्ज़ाम के लिए एक्चुअल फर्स्ट एप्लीकेशन दी, तो उन प्रेफरेंसेस में आई डिड नॉट ऑप्ट फॉर पुलिस। साथ भुट्टो साहब वाली ना एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स आ गए, तो उन्होंने कहा जी कि वो जो पिछला सिलसिला जो भी था आपका, कि आपने क्या अपने प्रेफरेंसेस दिए हुए हैं, अभी वो तो ख़त्म। अभी आप कॉमन ट्रेनिंग में 1 साल सारे लाहौर रहेंगे और उसके बाद फिर एग्ज़ाम होगा, और ड्यूरिंग दैट ईयर आल्सो कुछ वैल्यूएशन होगी। तो लाहौर इट्स सो हैपेंड के 4 ग्रुप थे हमारे। हुआ ये कि हमारे जो ग्रुप के इंचार्ज थे वो एक DIG साहब थे, हाफिज़ एसली जामी। उन्होंने एक दफ़ा ये UNODC जो है इसके एक पेपर पढ़ने के लिए जाना था वियना। तो हम 3-4 लड़के थे जिनको उन्होंने समझा कि ये चलो इसमें अच्छे हैं, तो हमें कहा कि मुझे ये पेपर लिख के दें। तो उधर गए तो द पेपर वाज वेल रिसीव्ड। सारा ये प्रोसेस साल का मुकम्मल हो गया, तो मुझे उन्होंने पूछा कि आपने अपने ऑप्शंस दे दिए हैं सर्विस के। मैं कहा मैंने तो नहीं दिया, मैं तो जो पहले का ये लिखा हुआ है 3-4 सर्विसेज का दिया हुआ है बस, ठीक। उन्होंने कहा क्यों, व्हाट इज़ द रीज़न। तो मैंने उनको ये स्टोरी जो है ये बताई, तो ही लुक्ड एट मी एंड ही सेड देखो कल को आप IG हो गए, और ये एक ASI का जिसका जिक्र कर रहे हो, इस तरह के हज़ारों लोग आपके अंडर होंगे, मतहत होंगे, तो उस वक़्त आप
इनको ठीक करना ना, रिफॉर्म करना इनको। तो उन्होंने अपने पीए को बुलाया और उसको कहा कि भाई वो फॉर्म लेके आओ। तो उसके ऊपर ना अपने हाथ से नंबर 1 पे पुलिस लिख दिया। तो दिस इज़ हाउ आई लैंडेड इन पुलिस।